good evening. Our general exceptions class today under Indian Penal Code. Hello, जी हेलो कैसे हैं आप सब. मेरा नाम कृति बनागर है. मैंने अपना रियल बी एलआई भोपाल से किया है. मैंने अपना मास्टर्स जीएनएल गुजरात से किया है. मेरी ऑलरेडी रैंक 339 थी जब मैंने क्लैट एग्जाम दिया था. मैं एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर कर रखा है. अगर आपसे कोई भी हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, फन अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपसे कोई भी पीडीएफ चाहते हैं पीपीटीज ऑफ यूरो क्लासेस आप ले सकते हैं, आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए. और अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. दोनों ही अवेलेबल है अन अकेडमी आपके लिए. प्लस में क्या डिफरेंट रहता है, प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट रिसोर्सेस और आपको आइकॉनिक में मिल जाते हैं वन टू वन लाइव इंटर्नशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज हैंड फ्राइडे मिलती है क्लासेस में. हाय गगन, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून. आपको वन टू वन लाइव इंटर्नशिप मिलती है. आप मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, स्लॉट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स को डिस्कस, एग्जाम स्ट्रेटजी कर सकते हो, पर्सनलाइज गाइडेंस जैसे फीस को अपनी लैंग्वेज में बुक कर सकते हो जिसमें भी आप चाहो. उसके अलावा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का अवेलेबल है आइकॉनिक में. कृति भी अगर आप कोड यूज करेंगे तो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिल जाएगा. ऑल्सो प्लस में आपको 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. इसमें भी अगर आप कृति भी कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. एंड इफ मीन लॉट मी कि आपको मेरा पढ़ाने का सलसा लगा तो हमने मेरा कोड यूज किया है. तो थैंक यू सो मच गाइस. क्लैट का सब्सक्रिप्शन जो है, अगर आप में से कोई भी डाउट है किसी भी क्लैट के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके. स्पेसिफिकली मेरे लिए नंबर दिया गया. अगर आप मेरा कोड यूज करना चाहते हैं कृति भी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए आपके सब्सक्रिप्शन से. Can you hear me? Yeah, I think now it's fine. है ना? ओके, सो आप कृति भी कोड यूज़ कर सकते हो. अप्रैल 1 से प्राइस हाइक होने वाला है 20% से. अगर आप कृति भी कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा. तो आप 20% भी बचा लोगे और 10% भी बचा लोगे, जो कि हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए. हेलो जी, हेलो, लेट्स क्रैक क्लैट एक्सेलेंस बैच क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए. अप्रैल 1 से शुरू होगा. हम सबको 20 मिनट रुकना चाहिए, 10 मिनट रुक सकते हैं. नहीं अर्जिता, स्कोर बूस्टर रिविजन बैच क्लैट 2022-2023 एस्पिरेंट्स के लिए एनलुमनाई के द्वारा. ये मैं इसमें लीगल रीजनिंग बता रही हूँ, तो आप सबको भी 10 मिनट रुकना चाहते हो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. उसके अलावा अल्टीमेट बैच फॉर एमएससीडी 2022-3 मंथ्स का बैच कोर्स है. मार्च 30 को शुरू होता है. हम सबको 20 मिनट रुकना, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. क्लैट 2022 को डेट्स आ चुकी है, एलिट की भी डेट्स आ चुकी है. तो अगर आप कोई भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन दे रखी है. वो आपने रजिस्टर कर लिया है और अपने फॉर्म वगैरह फिल कर चुके हैं. तो अगर इनकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में या आइकॉनिक कोर्सेज में अपने आपको एनरोल कर सकते हैं. कृति भी कोड यूज करके 10% ऑफ मिल जाएगा. बोर्ड एग्जाम्स की भी डेट आ चुकी है और आपकी क्लैट और एलिट वगैरह की डेट भी आ चुकी है. तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप अच्छे से क्या कहते हैं डेट्स को माइंड में रखकर चलेंगे. एजुकेटर क्यूरेटर्स क्लैट के लिए होते हैं अनअकैडमी ऐप पे फॉर फ्री. स्पेशली क्रिएटेड टेस्ट है जो फ्री में होते हैं. हर एजुकेटर क्रिएट करता है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन के. मंडे को करंट अफेयर्स का होता है, केशव सर क्रिएट करते हैं. मेरा लीगल का ट्यूजडे को होता है 5 PM पे. आयुष राजपूत वेंसडे को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्रिएट करती है. शाम सर क्वांट्स का थर्सडे को करते हैं और दिव्य सर लॉजिक का फ्राइडे को करते हैं. कल हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है एट 3 PM, क्योंकि कल हमारी सुबह है प्लस क्लासेस. सो विल बी हैविंग अ लीगल रीजनिंग क्विज. सो आई होप यू ऑल विल बी देयर. स्पेशल क्लास के एनुअल फीचर्स क्लास को एक्सेस कर सकते हो. अन अकेडमी क्लास जो है टेलीग्राम पे चैनल पे अवेलेबल है. तो अगर आप मुझे कोई भी कोर्स इसमें भी कर सकते हैं. द लीगल गेम में ट्यूटोरियल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए. वर्क्स वांट टू वॉच नहीं आप लर्न आप भी वो कर सकते हो. कोई भी नंबर करने का किसी वीडियो में दिख रहा है. अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अपने जनरल एक्सेप्शन की क्लास. लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं. चलिए ये आंसर कर दीजिए, कल मैंने आपको पढ़ाया है. हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू. क्या होगा इसका आंसर. हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस. नहीं शिवा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ. हाँ चल पूछो. ए और जेड जो है एक दूसरे से अग्री करते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे. इससे वो ये कंसेंट देते हैं कि वो कोई भी हार्म सफर कर लेंगे जो कि बिना गलती के एक दूसरे में कमिट हो जाएगा, एक दूसरे के अगेंस्ट कमिट हो जाएगा. तो यहाँ पे जेड को चोट लग जाती है. तो ए ने क्या कमिट किया है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था और उन्होंने कंसेंट दी थी. तो द एक्सेप्शन ऑफ कंसेंट कम्स हियर एंड देयरफॉर दिस विल बी नॉट एन ऑफेंस. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन. प्रांजल, आपको इसका रेजोल्यूशन खुद ही ठीक करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. गुड इवनिंग शॉर्ट वीडियो, हाउ आर यू. अच्छा ओके हर्षिता,
नहीं आंचल और भी होती हैं चीजें बेटा. हिज डिफेंस विल विन, ही विल विन द डिफेंस. बी कंसेंट दे देती है ना. नहीं, अच्छा उसकी कंसेंट नहीं थी, सॉरी सॉरी, बी इज करेक्ट. हिज डिफेंस विल फेल क्योंकि उसने उसके लेग सर्जरी की नहीं दी थी. ठीक है, लेग सर्जरी की कंसेंट नहीं थी. देर वॉज नो कंसेंट फॉर लेग सर्जरी, देर वॉज ओनली कंसेंट फॉर स्पाइन सर्जरी. स्पाइन सर्जरी की ही कंसेंट दी गई थी, लेग सर्जरी की कंसेंट नहीं दी गई थी. डॉक्टर ने लेग सर्जरी कमिट कर दिया है, सो देर फोर देर विल बी नो डिफेंस. यहाँ पे कंसेंट का डिफेंस नहीं लग सकता. सो बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको क्वालिटी 1080p करनी पड़ेगी प्रांजल वीडियो की. चलो दीप्ति, ऑन डेज व्हेन यू हैव लेस स्कूल वर्क गिव मोर टाइम टू योर क्लैट प्रिपरेशन. एक्ट्स लॉज होते हैं हर्ष, और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं. आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस होता है, आर्टिकल और एक्ट का कोई डिफरेंस नहीं होता. एक्ट मतलब लॉज, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हैं. हाँ नन्या, चलो बताओ. नहीं आंचल इनफ नहीं होगा बेटा. इमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म बाय सर्जन ऑन एक्सीडेंटल विक्टिम. एक विक्टिम का एक्सीडेंट हो गया है जिसको बिल्कुल उसी टाइम पे ऑपरेशन की जरूरत है, उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अनकॉन्शियस था. उसका वो कर दिया, क्या कहते हैं, ऑपरेशन कर दिया, तो डॉक्टर लायबल है कि नहीं है. काजल, देयर इज अ बुक कॉल्ड एज वर्ड पावर मेड इजी. वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुअस की बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी. और ग्रामर के लिए आपकी रहती है रेन एंड मार्टिन, WREN, रेन एन मार्टिन, MARTIN. सो यहाँ पर डॉक्टर इज नॉट लाइबल क्योंकि ये कंसेंट विदाउट कंसेंट है, पर उसकी जान बचाने के लिए किया गया है, सो नॉट लाइबल, करेक्ट. ये बताओ, एक आदमी है वो एक बच्चे को घर की छत से फेंक देता है जब घर पे आग लगी हुई है, तो यहाँ पे लाइबल और नॉट लाइबल? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों, द डॉक्टर इज नॉट गोइंग नॉट लाइबल, सॉरी दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी लाइबल क्योंकि यहाँ पे इट वॉज इनएविटेबल, वरना वो बच्चा मर जाता आग की वजह से. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो. आंचल, आपको इसकी वीडियो क्वालिटी अपने फोन से ठीक करनी पड़ेगी. What is this behavior? क्यों? चलो ये बताओ. AR surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. एक डॉक्टर एक पेशेंट को बता देता है कि तुम मरने वाले हो, वही सुन के इतना शॉक में चला जाता है कि वो मर ही जाता है, तो सर्जन लायबल है क्या? नो, द सर्जन इज नॉट गोइंग टू बी लायबल बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि सर्जन इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता था. ठीक है, सोनू उसमें सारा सिलेबस कवर नहीं होता है आपके पास जो भी बुक है. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. जेड को एक टाइगर लेके जा रहा है, ए टाइगर को गोली मार देता है पर जेड को भी चोट लग सकती थी, तो यहाँ पे जेड को गोली लग जाती है, तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट किया है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट थोड़ी है बनना, ये यहाँ तो उसे पता है उसे गोली लग सकती है, बट बिकॉज ही हैज डन इट टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ, उसने अपनी फ्रेंड की लाइफ बचाने के लिए किया है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑफेंस. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस विल नॉट बी एन ऑफेंस क्योंकि वो अपने फ्रेंड को मारना नहीं चाहता था, वो उसको बचाना चाहता था फ्रॉम द टाइगर. ठीक है, इन जनरल एक्सेप्शन ऑफ डिल्यूजन, देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल अनन्या नो जनरल एक्सेप्शन ऑफ डिल्यूजन, द जनरल एक्सेप्शन इज ऑफ इंसैनिटी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड इंसैनिटी, द मैनिपुलेशन फ्रॉम समवन एल्स इज अ पार्ट ऑफ इट, देन द क्रिमिनल शुडंट बी
मैनिपुलेशन और डेल्यूजन अलग अलग चीजें होती है भाई. देयर इज अ बिग डिफरेंस. डेल्यूजन इज आई एम सीइंग थिंग्स. मैनिपुलेशन इज समवन एल्स इज टेलिंग मी टू डू समथिंग बिकॉज व्हाट ही फील्स राइट इज व्हाट ही वांट्स मी टू डू. देयर इज अ बिग डिफरेंस. आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैनिपुलेशन इज नॉट देयर इन इंसैनिटी. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. एच एक 15 साल का बच्चा है जिसने कि एक हथौड़ा उठाया और सी के सर पे मार दिया, और सी जो है क्या कहते हैं, और जब सी फिर से ड्यूटी करने आया था तो एच ने फिर से उसकी कॉलर पकड़ के उसका गला मरोड़ दिया. यहाँ पे एच के ऊपर केस चढ़ा है असॉल्ट का. तो एच बोलता है कि सी ने कंसेंट दी है कि वो यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसे स्पेशल स्कूल में काम कर रहा है, तो उसने कंसेंट दिया कि उसे चोट लग सकती है. इज देयर कंसेंट? क्या सी ने कंसेंट दे दिया जस्ट बिकॉज वो उस स्कूल में काम कर रहा है जहाँ पे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं? गुड इवनिंग जिब्रा. वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का टॉपिक है. आई टेक दिस टॉपिक्स इन प्लस क्लासेस बेटा. वॉरियर हब, आप उस बुक को दिन में 20-25 मिनट्स पढ़ सकते हो. जस्ट रीड इट फॉर 20-25 मिनट्स. No, Ananya, that's not how it works. Sonu, make sure you're reading every day for at least 90 minutes. Arey wa, very good, Kajal. So, yahan pe, there is no consent. Is cheez ki consent nahi hai, H will be liable. Theek hai, H jo hai, liable rahega. Correct. Chalo, ye wala question answer karo. हर्षिता, मैं प्लस में कराती हूँ पूरा कोर्स. यूट्यूब पे पूरा कोर्स नहीं कराती हूँ मैं. आंचल, अब नहीं आते पर बाकी एग्जाम्स में आते हैं. नॉलेज बोर्ड, दैट इज योर कॉल. अगर आपको मेरा पढ़ाने का साइज अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, मतलब बाकी एजुकेटर्स का भी, वरना आपका कॉल है. मैं किसी को फोर्स नहीं करती. चलिए, एक सर्जन है, ऑपरेशन कर रहा था. एक नीडल एक लड़की के एब्डोमेन में छोड़ देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है, गलती से छोड़ देता है वो. तो यहाँ पे वो लायबल है कि नहीं है? प्रियांशी, बाय प्रैक्टिसिंग एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल, विल ही बी प्रोटेक्टेड और विल ही नॉट बी प्रोटेक्टेड? हाय अस्मिता, गुड इवनिंग. नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है. यहाँ पे उसने नेग्लिजेंस किया है तो यहाँ पे उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी भाई. तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें ज़्यादा ड्यूटी ऑफ केयर रखनी पड़ती है. द डॉक्टर्स ड्यूटी ऑफ केयर इंक्रीजेज हियर. सो द डॉक्टर शुड हैव वर्कड विद मोर डिलीजेंस, विद मोर क्या कहते हैं, केयर. एंड बिकॉज ही डिड नॉट, सो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे ही विल बी लायबल. ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द कंसेंट पॉइंट. ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. नहीं आयुषी, इंटरनल पाइल्स के लिए ऑर्डिनरी नाइफ से ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने जिसकी वजह से पेशेंट मर गया. इज अ डॉक्टर लायबल और नॉट लायबल? वो कंसेंट का डिफेंस ले सकता है क्या? वेरी गुड. डॉक्टर इज गोइंग टू बी लायबल. ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ कंसेंट बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर ने नेग्लिजेंस परफॉर्म किया है. ऑब्वियसली ऑर्डिनरी नाइफ से आप किसी का नहीं कर सकते हो ऑपरेशन. सो यहाँ पे यू विल बी लायबल. ठीक है, मैं पढ़ाती भी हूँ, क्विजेस भी कराती हूँ अस्मिता. हर डे डिफरेंट होता है. ओके, वेरी गुड गाइस. चलिए, सो यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट जो है अपने बच्चे को थोड़ा सा मार देता है चाइल्ड के बेनिफिट के लिए तो पेरेंट इज नॉट लायबल. लेकिन अगर पेरेंट अपनी बेटी की जान ले लेता है. अच्छा, एक केस हुआ था, ये एक रियल केस है. ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये एक फादर है,
इनकी ये बेटी है, ये 10 साल की बेटी है, ये फादर अपनी बेटी का मर्डर कर देता है, मतलब जान ले लेता है ताकि इस बेटी को किडनैपर्स उठा के ना ले जाएं। फादर को धमकी आ रही थी कि तूने हमारे पैसे नहीं वापस किए तो हम तेरी बेटी को अगवा कर लेंगे, तो उसने अपनी बेटी का खून ही कर दिया ताकि वो बेटी को उठा के ना ले जा पाए। तो यहाँ पे इज द फादर लायबल या कंसेंट का सेव हो जाएगा फादर, इज द फादर लायबल गाइस? ओके नॉलेज, हाँ जी सोनू, लायबल है कि नहीं ये बताओ फादर? यस फादर इज गोइंग टू बी लायबल, व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट किल योर डॉटर बाय जस्ट बाय सेइंग कि उसकी लाइफ बचा लूंगा मैं, दूसरी तरीके से उसकी लाइफ ना चली जाए, ठीक है? डज नॉट कंसेंट भी देते भाई, कंसेंट में भी आप मार नहीं सकते हो हर्षिता, आई हैव टोल्ड दिस इन क्लास, यू कैन नॉट किल एनी वन, इवन दो अ पर्सन हैज गिवन हिज कंसेंट देन ऑल्सो यू कैन नॉट किल एनी वन, चाहे वो 30 साल का ही क्यों ना हो, कंसेंट से आप सामने वाले पर्सन की जान नहीं ले सकते हो। सो यहाँ पे पर्सन विल बी लाइबल, द फादर विल बी लाइबल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट वैदी, ठीक है? चलो नाउ अगर कोई भी पर्सन है जो अपनी कंसेंट नहीं दे पा रहा है देन उस केस में क्या होगा, ही विल बी प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी पर्सन उसकी जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन वगैरह कर देता है या कुछ भी कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जहाँ पे आप कंसेंट नहीं दे सकते हो, जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे आप कॉन्शियस ही नहीं हो लेकिन आपका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है और आप डॉक्टर को नहीं बता सकते, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देता है और आप भाई उस डॉक्टर के ऊपर केस कर देते हो कि आपने मेरा ऑपरेशन क्यों किया, मैं नहीं चाहता था मेरा कोई भी ऑपरेशन करे, तो यहाँ पे देर विल बी नो प्रोटेक्शन गिवन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मतलब यहाँ पे द प्रोटेक्शन विल बी गिवन कि इवन दो कंसेंट कैन नॉट बी गिवन इट वॉज डन टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, तो लाइफ सेव करने के लिए हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं होगी ये चीज़, ठीक है? नाउ अच्छा एक केस हुआ था, उस केस में एक बच्चा था जिसको डाउन सिंड्रोम था, एक टाइप का सिंड्रोम होता है, एक टाइप का डिसऑर्डर होता है, उसको डाउन सिंड्रोम था जिसकी वजह से क्वेश्चन ये उठा था, पेरेंट्स ये कह रहे थे आप बच्चे को मार दो ताकि वो अपनी आगे की आने वाली 20-30 साल की लाइफ डाउन सिंड्रोम के साथ ना निकाले, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मार दिया, तो यहाँ पे क्या पेरेंट्स लायबल हैं फॉर द डेथ ऑफ द चाइल्ड? हाँ जी प्रियांशी, कंसेंट देगा या नहीं दे, नहीं वंदना तुम मेजर भी होगा तो भी कंसेंट नहीं दे सकता भाई, माइनर मेजर की बात ही नहीं है, ही विल स्टिल बी लायबल, माइनर हो या मेजर हो जान नहीं ले सकते भाई, कोई मेरे से बोले कि मैं किसी को बोलूँ तू मेरी जान ले ले और मेरी जान ले ले वो तब भी लायबल है, और तुमसे बोले कि वो तुम्हारी जान ले ले तो भी वो लायबल है, मेजर माइनर से इट इज़ नॉट रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे येस द फादर एंड द मदर आर गोइंग टू बी लायबल, क्योंकि आप अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि हम उसे दूसरी बीमारी से बचा रहे हैं इसलिए हमने उसकी जान ले ली, ठीक है? वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं मना कर देते हैं हमारे बच्चे का ऑपरेशन मत करो, मतलब एक ऑपरेशन से एक बच्चे की जान बच सकती है पर उस बच्चे को कैंसर है, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं कि उसका ऑपरेशन मत करो क्योंकि वो मतलब इफ़ ही डाइज दैट इज़ बेटर, बट यहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है तो एंड सेव्स द लाइफ ऑफ द चाइल्ड और वो बच्चे की जान बचा लेता है, तो यहाँ पे इज़ द डॉक्टर लायबल फॉर डूइंग द ऑपरेशन? नॉलेज बोर्ड, अगर आप क्लैट के साथ बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हो देन यू हैव टू रिमेम्बर द सेक्शंस इंपॉर्टेंट वंस, बताओ बेटा मुझे नहीं पता सोनू उसमें कौन से टॉपिक्स कराए हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं है उस बुक में, तो आई कैन नॉट रियली कॉमेंट ऑन दैट, नो द डॉक्टर विल नॉट बी लायबल, एब्सोल्युटली करे क्योंकि डॉक्टर हैज डन इट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा, इवन तो डॉक्टर के पास पेरेंट्स की कंसेंट नहीं थी बट उसने बच्चे को बचाने के लिए किया है, सो देयरफॉर द डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड एज लायबल, ठीक है? नाउ सेक्शन 93 क्या बोलता है, सेक्शन 93 बोलता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अगर आपने किसी भी पर्सन की भलाई के लिए उसको कुछ बताया है तो उस केस में वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी, सो अगर आपने किसी को भी कम्युनिकेट किया है उसकी जान बचाने के लिए कोई चीज़ तो ही विल नॉट तो यू विल नॉट बी लायबल, जैसे एक सर्जन है एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को बताता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है तुम्हें कैंसर है, ये सुन के शॉक से वो पेशेंट मर जाता है तो डॉक्टर लायबल होगा क्या? अस्मिता कभी कभी टाइम चेंज भी हो जाता है बेटी, डॉक्टर लायबल होगा क्या? नो,
डॉक्टर विल नॉट बी लाइबल बिकॉज यहाँ पे उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट किया था अपने पेशेंट को, एक नॉलेज मतलब एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, वो भी गुड फेथ में की थी, अच्छी फेथ में की थी, कुछ उसका बैड इंटेंशन नहीं था, सो डॉक्टर विल नॉट बी लाइबल. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, नाउ कमिंग टू योर प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस अंडर आईपीसी. तो जनरल डिफेंसेस जो है, जनरल एक्सेप्शंस जो है, वो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? जनरल डिफेंसेस एंड जनरल और जनरल एक्सेप्शंस आर फ्रॉम विच सेक्शन टू विच सेक्शन अंडर आईपीसी गाइस? बताओ आईपीसी सेक्शंस. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. 76 से 106 तक आपके जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस आते हैं, बिल्कुल सही. और आपका प्राइवेट डिफेंस के, प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस कौन से, कौन सेक्शन से कौन से सेक्शन तक हैं? 76 to 106, 52 कहाँ से आ गया भाई? 76 से 106 जनरल एक्सेप्शन है. और प्राइवेट डिफेंस कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट वंदना. सेक्शन 96 to 106 जो है वो आपका प्राइवेट डिफेंस से डील करता है, बिल्कुल सही. तो प्राइवेट डिफेंस इज अ टाइप ऑफ जनरल एक्सेप्शन ओनली. प्राइवेट डिफेंस जो है वो जनरल डिफेंस के लिए ही आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए सोनू, पर दिस आर नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है क्लैट के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का क्या मतलब होता है? जब आप अपनी जान बचाने के लिए कोई भी अगर क्राइम कमिट कर देते हो तो आप लायबल नहीं होते. इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ, योर ओन बॉडी और एनीबडी एल्सेस बॉडी, और योर ओन प्रॉपर्टी और एनीबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, देन यू विल गेट द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो प्राइवेट डिफेंस दो चीज़ों पे मिलता है, या तो आप अपनी खुद की बॉडी को डिफेंड कर रहे हो या किसी और की बॉडी को डिफेंड कर रहे हो, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हो या किसी और की प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपका बैग छीन के लेके जा रहा है, बहुत मतलब बिल्कुल छीन के लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसे धक्का दे देते हो ताकि वो आपका बैग ना छीन के जा सके, तो क्या आप लायबल होगे? विल यू बी लायबल फॉर सेविंग योर प्रॉपर्टी? आपने अपना खुद का बैग बजाया, उसके लिए आपने सामने वाले पर्सन को धक्का दे दिया, तो विल यू बी लायबल फॉर दैट? नो, यू विल नॉट बी लायबल. वाई? बिकॉज यू वर सेविंग योर ओन प्रॉपर्टी. आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बचा रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है आप लायबल नहीं होंगे. सो वेर एवर यू सेव योर ओन प्रॉपर्टी और एनीबडी एल्सेस प्रॉपर्टी ऑल्सो, यू विल नॉट बी लायबल इफ यू कमिट अ क्राइम वाइल डूइंग दैट. एंड वेर एवर यू सेव योर ओन बॉडी और यू सेव एनी अदर पर्सन बॉडी, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी लायबल इफ यू आर डूइंग दैट टू सेव योर बॉडी और टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन बॉडी. ठीक है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 97. सो प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस? प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि आपने अपनी खुद की बॉडी को बचाने के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए आपने सामने वाले पर्सन को मारा है. सो इन दैट, मारा है मतलब कोई भी क्राइम कमिट किया है उस पर्सन के अगेंस्ट, सो दैट विल बी अलाउड. अगर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, किसी और की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो भी नेसेसरी डिफेंस यूज़ करते हो, जितना ज़रूरत होता है उतना डिफेंस यूज़ करते हो, तो आप लायबल नहीं होते अंडर प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस में आपको जनरल मिल जाता है, लेकिन इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए. कैसा होना चाहिए यूज ऑफ फोर्स? इट हैज टू बी रीजनेबल. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आप उतना ही फोर्स यूज कर सकते हो जितना कि, थैंक यू हर्षिता मीन्स अ लॉट टू मी, जितना कि नेसेसरी है. अगर अननेसेसरी फोर्स आप सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट यूज करोगे, देन यू कैन नॉट क्लेम प्राइवेट डिफेंस. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं काजल है, ठीक है, काजल ने जो है भाई हर्षिता को एक झापड़ मारा, काजल ने हर्षिता को एक स्लैप किया, हर्षिता को गुस्सा आया, हर्षिता ने उठा के गोली मार दी काजल को, तो यहाँ पे कैन हर्षिता टेक द डिफेंस ऑफ जनरल, क्या कहते हैं, सॉरी प्राइवेट डिफेंस? कुछ कुछ केसेस में आप जान ले सकते हो सामने वाले पर्सन की, कोई दिक्कत नहीं है. नॉलेज बुक, आई हैव अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं सोर्सेज, नॉट जस्ट वन बुक. नहीं भाई ये सफिशिएंट नहीं है सोनू यार,
नो शी कैन नॉट टेक प्राइवेट डिफेंस. वाई? बिकॉज काजल ने अपनी जो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करनी थी उसको एक्सीड कर दिया. शी एक्सीडेड हर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. और आप जितना आपको सामने वाले ने मारा है उतना ही प्रपोर्शनेटली आप सामने वाले को भी मार सकते हो या उसके अगेंस्ट इंजरी कॉज कर सकते हो. उससे अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे काजल विल बी लाइबल फॉर द डेथ ऑफ क्या कहते हैं हर्षिता. हर्षिता की डेथ के लिए लाइबल होगी काजल क्योंकि उसने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया है. तो अगर आप एक्सीड करते हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर लाइबल फॉर द सेम. ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस जो है एक्ट ऑफ डिफेंस है और ये तभी आपको मिल सकता है जब सामने वाला आपके अगेंस्ट कोई इंजरी कॉज कर रहा हो और वो इंजरी के बदले आप सामने वाले को प्रोपोर्शनेट इंजरी ही कॉज कर सकते हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने आपको झापड़ मारा या दो झापड़ मारे और आपने उसकी जान ले ली. अगर सामने वाले ने आपको दो झापड़ मारा है तो आप भी सामने वाले पर्सन को ही दो झापड़ मार सकते हो. ठीक है, येस, प्राइवेट डिफेंस इज यूजिंग फोर्स और डिफेंडिंग वंस और अदर्स प्रॉपर्टी और बॉडी विद रीजनेबल फोर्स. रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, सोनू मेरी एक वीडियो है YouTube पे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2022 2023 बुक सिलेबस एट्सेट्रा. उसमें मैंने सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं. जाके एक बार YouTube सर्च बार पे लिख हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2022 2023 बुक सिलेबस एट्सेट्रा कृति भटनागर, तुझे वो वीडियो मिल जाएगी. उस वीडियो में डिटेल्ड सिलेबस है, वहां से देख ले. ठीक है, अब प्राइवेट डिफेंस आप कब कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, व्हेन कैन यू नॉट एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके सामने कोई डेंजर ही नहीं है तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते. भाई फॉर एग्जाम्पल मान लेते गगन है. गगन ऐसे ही अपनी जिंदगी में चल रहा था, फिर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था. वंदना ने आके उसे एक झापड़ मार दिया और फिर वंदना बोलती है मैंने ये प्राइवेट डिफेंस में किया है. सो कैन शी क्लेम प्राइवेट डिफेंस, बताओ? Can she claim private defense? Knowledge board, my concepts are also taken from various sources. Are bhai Daisy? No. Why? Because there was no apprehension of danger. कोई danger ही नहीं था. फालतू आगे मारा तो यहाँ पे obviously you cannot take private defense. ठीक है, when there is time for recourse to police authorities, अगर police authorities के पास जाने का आपके पास time बचा हुआ है तो फिर आप private defense claim नहीं कर सकते. जैसे for example मान लेते हैं गणेश है, गणेश को वैदेही call करके बोलती है कि आज तो मैं तेरी जान ही ले लूँगी, आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी. ये उसने call पे बोला है. तो यहाँ पे क्या गणेश वैदेही के घर जाके उसे जान से मार सकता है? या पहले गणेश को पुलिस के पास जाना चाहिए? पुलिस के पास जाने का टाइम है कि नहीं है गणेश के पास? देर इज टाइम फॉर गणेश टू गो टू पुलिस अथॉरिटीज. सो राइट नाउ ही कैन नॉट एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस. आप प्राइवेट डिफेंस तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपके पास पुलिस अथॉरिटीज के पास जाने का भी टाइम ना बचे. ठीक है, क्योंकि अभी पुलिस अथॉरिटीज के पास जाने का टाइम बचा है गणेश के पास, सो ही कैन नॉट एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस. एंड थर्ड, प्राइवेट डिफेंस आप कब नहीं एक्सरसाइज कर सकते? जब वो डिसप्रोपोर्शनेट हो. मतलब प्राइवेट डिफेंस कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट. प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जितना आपके अगेंस्ट इंजरी कॉज कर रहा है सामने वाला पर्सन उतना ही इंजरी आप सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट कॉज कर सकते हो. ठीक है, नाउ फर्स्ट जो सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस का वो है सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस. किसी भी पर्सन ने अगर एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन को हार्म कर दिया है तो इट इज नॉट एन ऑफेंस. सेक्शन 96 साफ साफ कहता है कि अगर आपने किसी को मार दिया प्राइवेट डिफेंस में तो आप लायबल नहीं होगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन बताओ. अनन्या, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन अगेन. चलो ये बताओ, तो जब वो उसको मार रहा होगा तब वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है ना बेटी? यस, नॉलेज बोर्ड ऑफ कोर्स यू कैन प्रिपेयर नोट्स. अ लॉट ऑफ पीपल डू प्रिपेयर नोट्स एंड यू शुड इन फैक्ट. चलो बताओ, यहाँ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता था कि नहीं कर सकते थे? ए किल्ड हिज फादर बिकॉज ही थॉट ही वॉज कटिंग हिज मदर्स थ्रोट. तो ए लायबल होगा या डिफेंस ले सकता है? बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द चाइल्ड कैन टेक डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. वो अपनी मदर की लाइफ बचा रहा था तो ऑब्वियसली बात है ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एब्सोल्युटली. सेक्शन 97 क्या कहता है? सेक्शन 97 ये कहता है कि हर पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का राइट है. वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है. और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, वो अपनी बेटी की लाइफ बचाता है थीफ से. थीफ उसको शूट करने वाला था तो वो थीफ को लेग में शूट कर देता है. तो यहाँ पे फादर विल नॉट बी लायबल बिकॉज फादर इज क्या कहते हैं
stopping from the child sorry stopping the thief to kill the daughter stopping the thief from killing the daughter so yahan pe therefore the father will not be liable theek hai fir aata hai aapka section 98 jo ye kehta hai ki agar kisi unsound person ne aapke against crime commit karne ki koshish kari koi aisa person hai jisko samajh hi nahi aa raha ki wo aapke against crime commit kar raha hai to agar aap usko crime na commit karne ke liye aap usko rokne ke liye usko harm kar dete ho to bhi aap liable nahi hoge jaise for example ek person hai theek hai ye insane hai ये इनसेन है इसको सैनिटी इनसैनिटी के क्या कहते हैं फिट्स आते हैं तो ये पर्सन जाता है मारने के लिए बी को ठीक है क्योंकि इसको लगता है कि मारने से कोई मरेगा नहीं तो ये बी को मारने के लिए जाता है बी को दिख रहा है कि ये सामने से नाइफ लेके आ रहा है तो बी उससे पहले ही इसको शूट कर देता है तो यहाँ पे इस बी लायबल क्या बी लायबल है फॉर किलिंग ए नहीं भाई अनन्या इफ द पर्सन स्टार्ट्स किलिंग यू ओनली देन आफ्टर दैट यू कैन किल हिम हर केस में आप जान नहीं ले सकते पर्सन की ठीक है सो यहाँ पे नो बी इज नॉट गोइंग टू बी लाइबल व्हाई बिकॉज ही वाज सेविंग हिमसेल्फ वो खुद की लाइफ को बचा रहा था तो ही विल नॉट बी हेल्ड एज लाइबल ठीक है नाउ कमिंग टू सेक्शन 99 वो बारे में बात करता है जहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जहाँ पे आपको कोई भी डर ही नहीं है कोई थ्रेट नहीं है वहाँ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी जॉब कर रहा है तो उनके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल वंदना है वंदना ने भाई थेफ्ट कमिट किया है पुलिस आके वंदना को अरेस्ट करने के लिए आती है और वंदना को हैंडकफ्स बांध देती है तो वंदना को गुस्सा आ जाता है कि ये मुझे हैंडकफ बांध रही है मेरे हाथ बन जाएंगे तो वो पुलिस वाले को मार देती है और बोलती है कि मैं प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रही थी तो कैन वंदना क्लेम प्राइवेट डिफेंस गाइज क्या वंदना क्लेम कर सकती है प्राइवेट डिफेंस नो वंदना विल बी हेल्ड एज लाइबल इन दिस केस क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज अपनी जॉब कर रहे थे तो यहाँ पे वंदना लाइबल होगी ठीक है ऑल्सो अगर आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने का पुलिस के पास जाने का तो आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते और आपने जो भी प्राइवेट डिफेंस किया है वो प्रपोर्शनल होना चाहिए टू द क्राइम टू बींग कमिटेड अगेंस्ट यू आपके अगेंस्ट जो भी डेंजर है उतना आप सामने वाले पर्सन के ऊपर क्राइम कमिट कर सकते हो मतलब उतना आप प्रपोर्शन में होना चाहिए ना जो भी पब्लिक सर्वेंट है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन पब्लिक सर्वेंट जो है गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए अपनी जॉब करते हुए काम करना चाहिए और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है या क्यों आपको लेके जा रहा है तभी आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो फालतू या आपको परेशान करने के लिए आपको लॉकअप में बंद कर दे रही है तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कस्टम ऑफिशियल ने सर्च किया था एक आदमी का घर जो यमन से आया था और उस ऐसा पता चला था कि उसके पास यमन से स्मगल्ड गुड्स आए हैं तो क्या यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स को वो आदमी मार देता है तो इज द पर्सन लायबल एक आदमी है जो यमन से आया है उस ऐसी खबर मिली है पुलिस को कि उसके पास स्मगल्ड गुड्स हैं तो पुलिस उसके घर में जाके वो करती है क्या कहते हैं सर्च वगैरह करती है तो वो आदमी पुलिस ऑफिशियल्स को मार देता है तो यहाँ पे कैन ही टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ले सकता है क्या वो नो ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड येस ही विल बी लायबल ठीक है वो लायबल होगा क्योंकि ही हर्ट द पुलिस अथॉरिटीज व्हेन दे वर डूइंग देयर जॉब क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहे थे तो यहाँ पे वो लायबल होगा ठीक है नाउ कौन से केसेस में आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो व्हेन कैन यू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन व्हाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस तो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी अगर आपके साथ ऐसा कोई भी एक्ट हो रहा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपको ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो कोई रेप कमिट कर रहा है तो डेथ कॉज कर सकते हो अननेचुरल लस्ट के केस में डेथ कॉज कर सकते हो किडनैपिंग एबडक्शन के केस में डेथ कॉज कर सकते हो किसी भी पर्सन को अगर बंद कर दिया गया है और वो पब्लिक अथॉरिटी को कंसल्ट नहीं कर पा रहा है तो वो डेथ कॉज कर सकता है या फिर कोई अगर किसी के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश करता है तो भी डेथ कॉज कर
कर सकते हो. तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं अगर आपके अगेंस्ट कमिट हो रहे हैं तो आप सामने वाले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हो. इट विल बी कवर्ड अंडर प्राइवेट डिफेंस. लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो अगर कमिट हो रहे हैं तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते. बाकी कुछ भी कर सकते हो पर डेथ कॉज नहीं कर सकते पर्सन का. ठीक है. नाउ कमिंग टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के ऊपर ब्रिक्स फेंक रहे थे कुछ लोग. एक आदमी के ऊपर उसके घर में ब्रिक्स फेंक रहे थे. उस आदमी ने रिवॉल्वर से अपनी गोलियां चला दी जिससे बहुत लोगों की मौत हो गई. तो कैन ही क्लेम प्राइवेट डिफेंस? एक आदमी के घर पे ब्रिक्स फेंक रहे थे और वो पर्सन ने गोलियां चला दी सामने वाले पर्सन पे, तो क्या वो प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता है? कैन ही क्लेम प्राइवेट डिफेंस गाइस? नो, ही कैन नॉट क्लेम प्राइवेट डिफेंस बिकॉज दिस वॉज नॉट प्रपोर्शनेट. और ये इनमें नहीं आता, इन ऑफेंसेज में नहीं आता. ये ऑफेंसेज कमिट होंगे उन्हीं टाइम पे ही आप डेथ कॉज कर सकते हो. इन ऑफेंसेज के अलावा आप कहीं पे भी डेथ कॉज नहीं कर सकते. विथ रिस्पेक्ट टू योर, और कब आपको स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट डिफेंस, आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? एज सून एज यू हैव डेंजर, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. जैसे ही आपको लगता है कि आपको डेंजर है अब, तब आप स्टार्ट कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस. चलो ये क्वेश्चन आंसर करो. ए बी सी जो है डी को किल करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने सामने से देखा एक पुलिस वाला आ रहा है तो वो वापस भागने लग गए. इतने में डी पीछे मुड़ा, उसने बोला कि अच्छा ये लोग वापस भाग रहे हैं, मैं इन्हें गोली मार देता हूँ. तो उसने उन्हें गोली मार दी. कैन ही क्लेम प्राइवेट डिफेंस? या डी विल बी लायबल और नॉट, ये बताना है आपको. ए बी सी ये सबके सब डी के पीछे भाग रहे हैं इसकी जान लेने के लिए. सामने से एक पुलिस वाला आता हुआ दिखता है, इन सबके हाथ में चाकू है, इन सबके हाथ में चाकू है, ये इसको जान से मार डालना चाहते हैं. पुलिस वाला देखते से ये तीनों वापस भागने लग जाते हैं. इसको देखते, इनको देखते ये डी को गुस्सा आता है और डी इनको गोली मार देता है. तो यहाँ पे इज डी लायबल? यस, डी इज गोइंग टू बी लायबल क्योंकि वो लोग वापस जाने लग गए थे, तो अब उसको कोई भी खतरा नहीं था. उसके बाद भी उसने उनको गोली मार दी, तो फिर डी इज गोइंग टू बी लायबल फॉर द सेम. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. एक आदमी जो है वो गिर गया, नहीं एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा था, दूसरे आदमी ने उसे एक थप्पड़ मारा, वो गिर गया, उसके बाद भी वो उसे मारता रहा, तो यहाँ पे कैन ही क्लेम प्राइवेट डिफेंस? डी विल बी लायबल एज There was no apprehension of danger anymore. Danger नहीं था इसलिए होगा वो liable. ठीक है, so यहाँ पे he would not be able to use the private defense. A is absolutely correct. वो private defense को नहीं claim कर सकता because he had fallen. ठीक है, अब कौन से केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो? अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उस केस में आप कब डेथ कॉज कर सकते हो? अगर आपके घर में कोई रॉबरी कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो. हाउस ब्रेकिंग एट नाइट कर रहा है तो कर सकते हो. मिसचीफ बाय फायर कर रहा है या फिर थेफ्ट मिसचीफ हाउस ट्रेसपास कर रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपकी मौत भी हो सकती है, सामने वाला आपको गोली मार सकता है, चाकू मार सकता है, अगर ऐसा लग रहा है तो उस केस में आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो. ठीक है, Now I'm going to end the class here. Guys, we are going to meet tomorrow. कल सुबह थोड़ा जल्दी क्लास है, कल tomorrow morning at 9 या 9:30 I think. आप अभी देख लीजिएगा हम इसी चैनल पे. We'll be discussing about book list for CLAT preparation. आपको कौन सी books prefer करनी चाहिए CLAT preparation के लिए. So we'll be talking about that tomorrow सुबह की क्लास में. Knowledge board, all the sections that I do in the class specifically, वो आप कर लो, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोलती हूँ कि याद करने हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो. थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर एंड गुड.